हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे हो रही है गोवर्धन पूजा। तो यहाँ चल रही है गोवर्धन की पूजा। ये देखिए पापा जी गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होगी। इसमें क्या ये घी का जलेगा? तो यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं गोवर्धन की पूजा की तैयारी। तो हमारी एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस साल पापा जी ही करते हैं तो पापा जी से ही करा रहे हैं। तो मम्मी थी तब भी पापा जी ही करते थे, तो इसी वजह से सिर्फ पापा जी के ही करवा रहे हूँ। मैं अपना किचन संभाल लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए हमने ये मिक्स सब्जी काट ली है और ये टमाटर प्याज और अदरक काट लिया है और ये है थोड़ा सा पनीर बचा था और आलू है। तो ये आज बनेगी रसी की सब्जी मिक्स, जो गद्दे की सब्जी कहते हैं, जिसे आज के दिन बनती ज़रूर है। और आलू और जो ये पनीर है, थोड़ा सा मेरे पास सारा नहीं है, 100 ग्राम पनीर है, उसकी सब्जी रसे की बनाऊंगी मैं मटर डाल करके, और इसकी सूखी सब्जी और पूड़ियाँ बनाऊंगी। मैं इतना ही भोग का बनाऊंगी सामान, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन में भोग लगता है। और किचन मैंने कायदे से मांझ करके काफ़ी क्लीन कर दिया है, अब यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं है। तो यहाँ पे पापा जी और इन्होंने पूजा आरंभ कर दी है। तो मैं भी आ गई थी और भोग के लिए है यहाँ पे दही, जलेबी, सेब और शरीफा। शरीफा ज़रूर होता है, शरीफा बहुत ज़रूरी है दिवाली की पूजा से लेकर के और भाई दूज तक की, मतलब शरीफा की बहुत ज़रूरी है भोग लगाना और करना। तो यहाँ पे हर ट्री में भी एक शरीफा रखा जाता है। तो जब तक कि पूरी दिवाली से लेकर भाई दूज तक की सिर्फ और सिर्फ जो लाई होती है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, खीले, तो चावल की जगह खीले ही लगती हैं मत्थे में भी, टीके में, और चढ़ती भी सिर्फ खीले ही हैं। तो खीले का बहुत महत्व है दिवाली से लेकर पूरे पर्व तक यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है आरती भी स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी लोग। तो और ये देखिए बच्चे भी हमारे प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो बड़ों से ही मिलते हैं। अगर बचपन से बच्चों से पूजा नहीं कराई जाती है तो बड़े होकर भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो एक हिसाब से उनके लिए बोझ हो जाता है। तो हमारे बच्चे तो प्रॉपर तरीके से करते भी हैं, जैसे बड़े करते हैं वैसे करते हैं। ये देखिए इतनी छोटी सी हैं लेकिन अच्छे से करती हैं। ये देखिए यहाँ पापा जी पहले आरती कर लेते हैं गोवर्धन जी की, फिर गणेश लक्ष्मी जी की भी आरती कर रहे हैं। और फिर सबसे पहले गणेश जी की आरती हुई थी, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की और गोवर्धन जी की आरती हुई। तो यहाँ पे सभी लोग अब खड़े होकर के आरती करेंगे और तो यहाँ पे सभी लोग खड़े हो चुके हैं और सभी लोग कर रहे हैं आरती। चलो चलो सब गोवर्धन तन मन धन सब करो अर्पण। तो यहाँ पे यही आरती होती है, तो इसीलिए हमने फिर वही आरती कर दी थी। और यहाँ पे गणेश जी की भी दोबारा आरती कर दी है सबने, ऊपर भगवान की भी। तो फटाफट से पापा ने आरती करने के बाद फिर पापा जी ही परिक्रमा करते हैं हर साल। तो सेवन बार परिक्रमा की जाती है गोवर्धन की, तो पापा जी ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा भी हो गई है, तो सभी लोग प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। अब यहाँ पे भोग लगेगा प्रभु का। तो यह है दही, जलेबी, सेब और शरीफा, और खाने का भोग बाद में लगेगा, पहले इन सब का भोग लग जाएगा। और गौर की भी पूजा हो गई है यहाँ पर, तो सबके टीका वगैरह लग जाएगा। तो ये देखिए चावल की जगह खीले लगती हैं। तो सभी को कर दिया है पापा जी ने, अब इनको भी टीका कर रहे हैं और मैं अपना टीका खुद लगा लूँगी। तो अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूजा ख़त्म हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं अपने किचन को संभाल लेते हैं, क्योंकि अभी भोग लगाना बाकी है। तो अभी सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद सभी प्रसाद खाएंगे और फिर सभी लोग आराम करेंगे, तब तक मैं अपना पूरा भोग बना लूँगी। तो सभी ने प्रसाद ले लिया है, जिसको जो चाहिए था वो लेता है। और अभी भगवान के खाने का भोग लगाना बाकी है। जीरे और हरी मिर्च फटाफट से भोग लगा लेते हैं। हल्दी पाउडर,
अब वही रहा, वही रख देते हैं उसी में का धनिया पाउडर, और अब डाल देंगे हम इसमें ही सब्जियाँ, और डाल देंगे नमक। तो ये भी पिचक जाएगी क्योंकि बहुत पूरी पूरी है, क्योंकि इसमें हरी सब्जियाँ भी हैं। तो नमक डालने से जल्दी से पानी छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर, अदरक और मिर्ची को मैंने ग्रेट चॉपर में चॉप कर लिया है, और मैं इसी से सब्जी चॉप लगाऊंगी। तो अब मैं पनीर और आलू की सब्जी से चॉप लगा रही हूँ। डाल दिया टमाटर, और इसमें टमाटर अदरक का जो मैंने ग्रेट किया था ना वो भी डाल दिया है। भून लेना है इसको, ढक करके भून लेंगे हम इसको, भी चला देते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी सब्जी थी और पिचकने लगी है, अब ये दब जाएगी। तो दबने के बाद जब फ्राई होगी, ये अच्छे से पकने के बाद जब इसको फ्राई करेंगे तो खुला करके इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे। जब मेरी ये सब्जी भी तैयार हो जाएगी तो रस्से की सब्जी छोंक देते हैं। आलू ऐड कर देंगे हम, तो आलू को थोड़ा रोस्ट भून लेंगे इस मसालों के साथ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, और डाल दिया है मैंने मटर, और अब डाल देंगे हम इसमें ये पनीर अपना। चला देंगे थोड़ा सा। तो आलू को मैंने थोड़ा रोस्ट करके पका लिया है, तो अब इसमें हम पानी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाला मिला दूँ मैं पनीर में भी और मटर में भी। थोड़ा तेज कर देंगे गैस को अच्छे से, और इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। तो पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से ऐड करना है। तो एक ये सूखी सब्जी हो जाएगी और एक सीखी सब्जी हो जाएगी, तो दो सब्जियां हो जाएंगी, और जल्दी से पूरी बना लेंगे हम। तो इसमें लगा देते हैं हम एक सीटी, तो अब लगा देंगे इसमें हम सीटी। तो यहाँ पे मेरी पूरियां भी तैयार हो गई हैं लगभग, तो अब जल्दी से भोग लग जाएगा और सभी लोग खाना खाएंगे। चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये प्लेटिंग लग गई है, एक भोग की, एक भगवान की, और ये बच्चों की। तो चलिए भोग लगा देते हैं, आप लोग भी आ जाइए जल्दी से, आज गोवर्धन का भोग खाना खाइए। तो ये मिक्स गद्दे वाली सब्जी है, ये रसे की आलू मटर टमाटर और पनीर की सब्जी है, और पूड़ियाँ हैं। तो अभी मिठाई रख दी जाएगी और पूरा कंप्लीट। तो आज है जमघट, तो जमघट के दिन उड़ाई जाती है पतंग। तो ये ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, और सूर्यांशी भी ऊपर जा रही हैं, और पूर्ति भी। तो दोपहर का टाइम है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन मैं मना कर रही थी लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले से ही पतंग उड़ा रहे हैं, ये पतंग के बहुत शौकीन हैं, और बहुत सारी पतंग लेकर भी आए थे, और दो तीन क्या बोलते हैं रील्स नहीं होती वो तक भरवा के लेकर के आए थे बहुत सारा। तो ये देखिए कितना ऊपर तक पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखिए। और इन्होंने पेच वगैरह भी काफ़ी लड़ाए थे और काटे थे, तो ये देखिए आप लोग खुद देख लीजिए कितने ज़्यादा शौकीन हैं। तो ये कितने शौक से पतंग उड़ाते हैं ये देख लीजिए। और बच्चे भी आए थोड़ी देख लीजिए, लेकिन धूप बहुत तेज़ है तो बच्चे आँखें नहीं खोल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और मुझे तो गर्मी लग रही थी बहुत तेज़, लेकिन ज़्यादा देर मैं नहीं रुक पाई। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऊंचाई, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी ऊंचाई पे पतंगे थी। तो ये देखिए, ये देखिए कितने सारे लोग उड़ा रहे हैं, सभी से ये लोगों ने इन्होंने पेच भी लड़ाए थे। ये देखिए तो फाइनली इनकी भी पतंग उड़ गई।
कट गई। तो चलो मैं तो नीचे आने लगी क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए फ्रेंड इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हैप्पी गोवर्धन पूजा।